हाँ भाई साहब, ये क्या पूछने आए बता दो आप ही। मैं थोड़ी बता पाऊंगा महाराज जी क्या पूछने आए, ये तो वही जानेंगे आप जानेंगे। दीदी बताओ कहाँ से आई है? हम गुजरात से। सब लोग सुनना चाहते हैं क्या पूछने आई दीदी बताएं। मेरे लड़के की तबीयत सही नहीं है। आपके लड़का का नाम क्या है? आकाश। आकाश, आपका नाम क्या है? पिंकी। आपके पति का नाम क्या है? आदेश। सही बताओ। आदेश कश्यप। आपका आपकी शादी को आपके मायके में आपके भाई आई है कि नहीं? हाँ। आपके भाई का नाम क्या है? अनुप। पढ़िए भाई, पकड़िए नहीं भाई साहब, आंखें दी आपको। भाई का नाम अनुप कुमार कश्यप। भाई का नाम अनुप कुमार कश्यप है। आपके घर 1,000 रुपए गुमा है आपके भाई का, लेकिन यह चोरी नहीं किया गया। आपके भाई का कहना है कि तुम्हारे घर में किसने निकाल लिया है, बोलो हाँ या ना। हाँ। आरोप लग रहा है जो झूठा आरोप है तुम्हारे भाई का, निकल गया है, किसी ने नहीं निकाला, भ्रम है। आकाश कुमार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके पिता का नाम आदेश कुमार है, हाथ पैर की पीड़ा है, चलेगा फिरेगा दौड़ेगा मल मूत्र करेगा, आम बच्चों की तरह होगा, आशीर्वाद है। बालक ठीक होगा, तंत्र क्रिया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपका नाम पिंकी कश्यप है, आपके पिता स्वर्गवासी है जिनका नाम जगनलाल है। क्या नाम? प्रेम नारायण। क्या लिखा है? मैंने एक झूठ बोला तो निहाल बोल दिया कि नहीं, सत्य आदमी स्वीकार करता है। मैंने क्या नहीं बोला? मैं इनके लिए कह रहा हूं, मैंने झूठ बोल दिया तो निकली हाल क्या कहा? नहीं, हम लिखा प्रेम नारायण है, दिल्ली में ससुराल है, इटावा नंगला से आप आई हैं, मैं गारंटी देता हूं 7 महीने के अंदर आपका बच्चा 60% ठीक होगा, आशीर्वाद है। और ये मंत्र लिख रहा हूं, इसके लिए आपको 21 दिन पंडोकर धाम रुकना पड़ेगा, 5 अमावस्या करनी पड़ेगी, आशीर्वाद है। मंत्र यहां लिखूंगा और पढ़ने नहीं दूंगा, सोनू महाराज से मिलिएगा।